नहाने जाने से पहले मैंने यस्टरडे का वीडियो एंड किया और अभी नहा के आके मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज है मंडे, अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आजकल तो मुझे लंच का कोई टेंशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि लंच तो यस्टरडे रात को ही कुक बना के गई थी। दोबारा अभी हम गर्म करेंगे और खा लेंगे। अभी नहा के आए, सबसे पहले मैं भगवान को थोड़ा पूजा दे देती हूँ, उसके बाद लंच कर लेते हैं और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है आज लंच में। और पता है आज सुबह को ना सिर्फ मैंने एक पीस ब्रेड खाया था। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि मैं थोड़ा सा अभी मेंटेन करने का ट्राई करूँगी, डाइटिंग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रॉपर डाइटिंग जो होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझसे नहीं हो सकता है। तो मैं जितना हो सके ट्राई करूँगी कि कम कम खाओ और घर का खाओ, हेल्दी खाओ। तो आज मैंने सुबह को सिर्फ एक पीस ब्रेड ही खाया था, तो अभी खतरनाक भूख लगी है। तो सबसे पहले पूजा दे देती हूँ, देन खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोग साथ फिर से मिलती हूँ। तो बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ, आशा करते हो आप लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग का लंच रेडी है। ये मेरा लंच है, थोड़ा राइस दाल और थोड़ा सा एग करी लिया है मैंने। और ये हितेश का लंच है जिसमें वो सिर्फ सैलड, थोड़ा सा दाल और एग तो नहीं खाते, तो थोड़ा सा आलू और ग्रेवी मैंने दिया है। I watch you as you dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do कभी का प्लान था कि हम लोग नर्सरी जाए, तो मैं जस्ट अंदर गई थी थोड़ा रेडी होने के लिए और अभी जस्ट देखा बाहर एकदम अचानक से पता नहीं कैसे एकदम बहुत तेज हवा चलने लगी, पूरा एकदम मतलब धूल मिट्टी उड़ रही है। यहाँ पे इतना बैंगलोर में कंस्ट्रक्शन वर्क चारों तरफ होता है ना कि थोड़ा भी हवा चले एकदम धूल धूल चारों तरफ हो जाता है, एकदम डस्ट हो जाता है। पता नहीं, मैं दिखाती हूँ, अचानक से पूरा धूल हो गया और एकदम क्लाउडी सा छा गया और देख रहे कितना हवा दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा छोड़ो यार, आज नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा तेज़ हवा चली और बारिश वारिश आ गया तो कुछ हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, ले भी नहीं पाएंगे। यह सामने ही एक्चुअली हमारे बिल्डिंग के जस्ट सामने ही एक बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो इतना धूल हो गया कैमरा में तो इतना पता ही नहीं चल रहा है कि कितना धूल है। माय गॉड, मेरे आंखों में भी कचरा चला गया धूल की वजह से। वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए मस्त है ना, मुझे इतना पसंद है। मैंने हितेश को वही बोला इसको पॉट में ही ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये पूरा सीजनल नहीं है, ऑल सीजन रहता है। और ये भी बहुत मस्त बना है, ये 2-3 महीना जितना ही रहता है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा लगा। ये वाला भी काफ़ी बड़ा हुआ है, ये वाला प्लांट देखिए, उसका ऊपर का पोर्शन जो है ना ऐसा फॉल कलर जैसा हो जाता है। अच्छा लग रहा है यार, पता है गर्म हवा ही है बट स्टिल अच्छा फील हो रहा है। और पता है इस टाइम पे हमारा अप्रैल के मिडिल में हम लोगों का बंगालीज का एक्चुअली ये होता है न्यू ईयर होता है, तो इस टाइम पे कोलकाता में मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में ऑलवेज बहुत ज़्यादा शाम के टाइम पे ना बारिश होना, तूफान होना होता है, इसको कालबैशाखी हम लोग बोलते हैं। मम्मी ने मुझे कल ही फ़ोन पे बताया कि कल बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश तूफान जैसा हुआ था, तो मैं थोड़ा मिस करती हूँ। पता है जो भी हो, ये सब बचपन से वहाँ पे रही हूँ, ये सब एक मतलब क्या बोलूँ, ये भी मुझे समझा सकते हैं कल्चर में आ गए, वो सब चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ से। तो आज ऐसा हवा चल रही, तूफान जैसा आया ना, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चलो कोलकाता का थोड़ा बहुत तो कुछ यहाँ पे मिल रहा है, चलो थोड़ा बारिश हो जाए। मैं अभी चाहती हूँ कि थोड़ा बारिश हो, एकदम अच्छा सा फील होगा, सीज़न का पहला बारिश। एनीवेज चलिए अंदर जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, जब निकलना ही नहीं हुआ तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सोना तो हम लोग सो लेती हूँ, बाद में आप लोग के साथ फिर से बात।
right, we'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light? Good evening. तो अभी हम लोग मतलब मैं थोड़ा सा सो गई थी, सो मतलब पावर नैप ही लिया, ज़्यादा देर तक नहीं सोई थी। तो अभी खाना बनाने के लिए वो आ गई है, तो वो बना रही है आज दाल भिंडी और एक चिकन का, एक आंध्रा स्टाइल को चिकन में बना रही हूँ। उसका रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा बनता है। पहले भी मैंने बनाया था, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पहले रेसिपी शेयर किया है कि नहीं, बट आज मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। थोड़ा सा चिकन को मैरिनेट किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी वो शूट कर लिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी वो सारे क्लिपिंग्स। और पता नहीं क्यों मेरे इस कैमरा मतलब छोटू कैमरा जो है ना उसमें तो पता नहीं क्यों ये कैनन वाला जो कैमरा है इसका एसडी कार्ड बार बार फॉर्मेट करना पड़ रहा है, बार बार इसका मेमोरी मतलब डिलीट कर रहे हो स्टिल मेमोरी फुल दिखा रहा है, तो वही अभी किया। तो एनीवेज गाइस, आज मैंने सोचा कि थोड़ा बारिश होगी, बट कुछ बारिश तो हुई नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा ही हवा तेज चला, बस हो गया। मैं कितना होप कर रही थी कि यार थोड़ा बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश तो हुआ नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही उदास होकर सैड होकर मैं आके सो गई। तो यही है अभी रात को, मैं भी थोड़ा सा निकले मतलब थोड़ा सा सुपरमार्केट जाना है, जाके वहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेना है, बट पता नहीं यार मैं जाऊँगी कि नहीं, तेज तो जाने वाला है, बहुत सारा चीज़ें ख़त्म हो गए। तो वही है अभी तक का अपडेट। चलिए अभी थोड़ा उसका आधा कुकिंग हो जाए, देन मैं वहाँ पे थोड़ा चिकन बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ। और पता है यस्टरडे का वीडियो जो मैं टुमारो अपलोड करने वाली हूँ, वो वीडियो का आज 1% भी मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं किया। तो मेरा अभी का जो टाइम है जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, टीवी वगैरह थोड़ा बहुत देखती हूँ, बहुत नहीं थोड़ा सा, वो मैं आज नहीं कर सकती। पूरा टाइम मुझे एडिटिंग में जाने वाला है क्योंकि एक भी जस्ट मैंने सिर्फ आई मूवी में सारे वीडियोस क्लिपिंग को एक्सपोर्ट किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। ये देखिए पूरा एम्प्टी, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, देख पा रहे हैं ना आप लोग, तो वो पूरा करना पड़ेगा। चलो यार वो काम करते, वो भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो कर लेती हूँ। थोड़ा कुकिंग शेयर करते हो आप लोग के साथ, देन आप लोग के साथ फिर से मैं बात करती हूँ। Or you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away before you make up your mind. So यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया, बोनलेस के पीसेस लिया था, सिर्फ योगर्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड मीट मसाला और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल से मैंने मैरिनेट किया। इसमें मैंने कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया है, इसमें मैं थोड़ा सा फाइनली चॉप किया अनियन ऐड करूँगी और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली एंड टोमेटो का पेस्ट प्यूरे जैसा बना लिया है, वही यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया और थोड़ा इसमें करी पत्ती ज़्यादा करके ऐड करना है एंड उसके बाद मैं फाइनली चॉप किया अनियन ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक एंड टोमेटो का प्यूरे। You need me like a cargo, you will carry me. तो ये अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, हितेश ने बनाया है, कप का बनाया था, मैं अभी पी रही हूँ, एकदम ठंडा हो गया है, बट ठीक है यार मैं ठंडा पीना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ राइस निकाल दो, हो गया, राइस का नाम बच गया। राइस मुझे मतलब एकदम ठीक से बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैं हमेशा टाइमर सेट करती हूँ 20 मिनट्स का, तो उसी में बन जाता है। तो अभी हम लोग नीचे आए हैं वॉक करने के लिए, हमारा हाँ हितेश ने थोड़ा सैनिटाइज कर लिया नीचे, और वॉक करने के टाइम पे हम लोगों ने मास्क नहीं पहनते क्योंकि मास्क पहन के वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले हमारा एक्चुअली प्लान था ग्रोसरी स्टोर जाए, मैंने बताया था ना जाना है, बट काफ़ी लेट हो गया। ग्रोसरी स्टोर जाना मतलब वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह या फ्रूट्स कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, फ्रेश नहीं मिलता इतना लेट जाओ तो इसलिए थोड़ा बीबी डेली से फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिया है, और जो एक दो चीज़ें जो बीबी डेली में नहीं मिलता है तो वो हम लोगों ने सोचा टुमारो जाके ले लेंगे। और सच मुझे बाहर जाने का मतलब अभी रेडी हो, देन आके इतना अपने आप को साफ़ सुथरा करो, सैनिटाइज करो, मन नहीं होता ऑलवेज ऐसा करने में, क्योंकि पहले तो ऐसा करना नहीं होता था ना, तो अभी इतना मन नहीं होता इसलिए रेडी होकर निकलो, थोड़ा लेजी सा ही फील हो रहा था इसलिए सिर्फ हम लोग नीचे वॉक करने आए, ऐसे मैं घर के कपड़ों में ही आ गई। Oh, here you are,
face to face in this trashy bar. सो गाइज, ये रहा चिकन जो मैंने आज बनाया. मैं पहले दिखाना भूल गई थी, देख सकते बहुत ज़्यादा औसम बना एकदम. हितेश को खा के बोला कि एकदम रेस्टोरेंट से. यहाँ पे बैंगलोर में एक्चुअली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, ये सब आंध्रा स्टाइल रेस्टोरेंट, वहाँ पे ये चिकन ऐसा मिलता है बोनलेस चिकन का. कड़ी पत्ता दे के स्टार्टर नहीं, ये घी रोस्ट चिकन नहीं बनाया मैंने एक्चुअली. ऐसा नॉर्मल स्टार्टर में मिलता है ऐसा करी लीव्स दे के चिकन बोनलेस पीसेस का, बिल्कुल ऐसा बना. बहुत ही हम घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आप चिकन खाते हैं तो. और अगर चिकन नहीं खाते तो मुझे लगता है पनीर के साथ भी एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं, अच्छा ही लगेगा. तो अभी डिनर भी हम लोगों का हो गया है और अभी किचन भी साफ हो गया है, मैंने थोड़ा टीवी भी देख लिया, सब कुछ डन. अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाएंगे. तो अभी टाइम हो गया वीडियो को एंड करने का. सो गाइज, अगर आज का वीडियो आप लोगों को किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना. एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. Like a car.